આશીર્વાદ આવે. આવે 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 જેના આશીર્વાદની આપણે દેશરૂપ કેતા નથી. गुलामी में काम आती है न तकदीरें न तकदीरें, जो हो जाते यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें. रैलक अदालत बाजार के मेरे भाइयों बुजुर्गों आप सबको अस्सलाम वालेकुम. आज जब मैं साल में दाखिल हुआ तो मैं वो चेहरे देख रहा सा जेड़े आज तो साल पहले रात के अंधेरे बैठता साज इन्होंने चेहरिया ने जड़ी मैं खुशी देखी है, अज इन्होंने चेहरिया ने जड़ी मुस्कुराहट देखी है, जड़ी चमक देखी है, मैं खुदा को दुआ मंगी है कि खुदाया इन्हों मेरे बुजुर्गों के भरावान से जेड़े चेहरे मैं साल पहले देखे सन वो चेहरे वापस ना आने ओ मायूसी इन्हों के वापस ना आने दी. अज जिस चीज की वजह तो तुसी मैनू मेरे सारे दोस्तों को इज्जत बख्शी है रब का करम सी, उन्हें सिर्फ वसीला मैनू बुलाया. मैनू दिन याद ने कि रात को देर नाल चंद मेरे मेहरबान मेरे बुजुर्ग मेरे को आंदे सन ते रोज एक नवी गल सुनांदे सन कि अज यह हो गया अज वो यह कह रहे ने. अगर मैं उन्होंने बुजुर्गों भाइयों को कहांगा कि मैं इको गल तुम कहता सर कि तहू अगर बोली लगी तो सामने मैं खिलोवगा गल होंगी उदों तक तहू ता हक नहीं लग सकता जदों तक ताडे इरादे न फुटता हो. अज अगर इस बाजार के तुसी मालक हो तो उस दिन खुदा ने ताडे ते करम कर दिता सी जिस दिन तुसी ये इरादा कर लिया सी कि असी हुण अज अपना हक लैणा. मैं ते एक सिर्फ छोटा जिहा वसीला सा, ए मेरे रब का मेरे ते करम है. मैनू नहीं पता ताडे बाजार दे विच तुसी सारे अपने बच्चों का रिजक कमाण आंदे हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि वो दो लोग जिन्होंने पहले दिन क्योंकि मैं ताडे वर्गा मैं रोड तो गुजर रहा सी उस तो चंद दिन पहले ताड़िया दुकाना का बखूआ होया उसी दुकाना नूं अग लगी सी तो वो मेरा हमेशा मेरे नाल प्यार मुहब्बत करता है टैडी कसाई. तो उन्हें मेरी गड्डी रोक ली, उन्हें कहा तो इहदी अज अज नहीं जाना मेरे कोल फट्टे ते बह के चाह पी के जा. मैं कोई जागीरदार हाँ ना नवाब हाँ ना कोई वड्डा चौधरी हाँ, मैं एक मजदूर का पुत्तर हाँ. मैनु फटे ते बैठ च भी कोई आप नहीं सी ते मैं उथे बैठा उथे ताडे ओ तीन दोस्तां ने मैनु कहा ऐ एक कम मेहरबानी करो ऐ साडे दुकानदारां नूं इन्हां दा हक दवा दो. मैं कहा यार ये क्यों नहीं होया अज तक बाखुदा मैनु नहीं सी पता केस की ये किस तरह है. मैं यार मैं सुनता रहा
तहसील नागरी दौर च भी सुनता रहा कि इन्होंने दुकानदारों बड़ी ज्यादा होंगी है, लेकिन यह होया क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी असि तुम इंजीनियर बैठे ने, इन्होंने कहा जी दो तीन दिन च असि तुम सारे कागज उन्हें भेज दें। तो मैं जो रात सुटा ना, मैं खुदा को दुआ दूंगी खुदाया जो गरीब लोग ने अज मेरे वसीले इन्होंने का हक दवा दो। खुदा और रात मैं अभी भी याद आई, मेरे दिल की कर्म सी एक तकलीफ सी के ओ मेरे गरीब दुकानदारा का की कसूर सी जिन्हां दीआं दुकानां नूं अग्गां ला दित्तियां गईआं। ते मैं पहले कहा कि जदों तुसीं इरादा कर लैंदे हो ते खुदा तुहाडे नाल हुंदा है, ते उस तों बाद खुदा ने जिहड़े रस्ते खोले मेरे भी वहमो गुमान च नहीं सन। असीं जिस बूहे ते गए हां इस काम लई, ओह बूहा खुदा खुद ही खोलदा गया। और ये ते नहीं ताडे बच्चों ते भी खुदा का करम होया, और ये खुदा का करम सी कि आज इस बाजार ते तुसी मालक बन के बैठे हो। अगे मेरे किसी भाई ने जिक्र किया कि ये वो काम होया, ये भक्ति खुशी नहीं, ढाडी जायदाद नहीं, ये ढाडे बच्चों की भी जायदाद है, इधर तो विरासत का कानून भी लगता है। तो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया क्योंकि मैं ढाडे चेहरिया में जी खुशी नजर आई है ना, मेरे को अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सका कि मैं अपने लोगों के चेहरे ते इतनी खुशी दिती है वो मेरे रब ने दिती। मैं शाह साहब ने जितनी दलील नाल गल की मैं अपनी दलील नाल ते नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने को इल्म ज्यादा है, अल्लाह ताला ने उन्होंने वो इल्म दिता है, वो दलील दे नाल गल कर सकते। लेकिन सादा लफ्जां च एक चीज मेरे बुजुर्गों भाइयों याद रखना कि अपने घर च जेड़ा तुसी मुलाजम रखते हो वो अगर काम ना करे, वो अगर लापरवाही करे, ढाडी इज्जत ना करे तो उन्होंने कट दें दे ना, सारे कट दें दे ना, तो उस नुमाइंदे क्यों नहीं करते जेड़ा ना ढाडी इज्जत करता है, ना ढाडे काम करता है, ना ढाडा ख्याल रखता है, उन्होंने क्यों नहीं कटते? इस दफा एक मिसाल बना दियो, मैं नहीं तो पिंडान खान के किसी बंदे को एमएलए बना दियो, मैनू इकतदार नहीं चाहिए, मैं इकतदार की जरूरत होंगी। अज तुसी लोग मैं इतनी इज्जत ना दे रहे होंगे, ये इज्जत मैं इकतदार तो बगैर लगती है। लेकिन अपने नुमाइंदे एक मोड़ जेड़ी देंदे हो ना, ये लाण तो पहले 100 बारी सोचा करो। तुसी लोग किसे दी जागीर नहीं, मुक गया और टाइम जागीर ला, तुसी सारे अपनी जगह पे एक रहनुमा हो, एक लीडर हो, तो लीडर बन के मोल लाया करो, किसे को डर के ना लाया करो, किसे को ममनून होके ना लाया करो, क्योंकि अगर ताड़ी नुमाइंदगी ठीक हो रही होंगी
जेड़ा मसला अज हल होया अज 20 साल पहले हो गया हुंदा। जदों नुमाइंदे सही नहीं होंगे क्योंकि उन्हां नुमाइंदियां दा इको मकसद हुंदा है कि असीं इस्लामाबाद जाके बह जाइए। सरदार साहब ने कहा कि सानू सारिआं नूं गाल लग गया, कोई गल नहीं, सबक ते आ गया ना, एक सबक ते आ गया ना। ऐसे मैनू भी आके ताड़े जे बुजुर्ग भाई चंद संधु बोलदा बड़ा है, बाप खुदा अगर बोलने नाल गलत होंदा ऐसा सब मुद्दे कर दो खुदा की कसम उन्होंने नाम चंगे बोलते। कम अज कम दलील नाल गल ते करदे ने, गालियां देना बोलना हुंदा, दूजे की तम्मी लाना बोलना हुंदा, इनू कद कहंदे हो तुसीं? अगर बोलण ते ही कद हुंदा ते आ जिहड़े पण लगदे ने बा खुदा इन्हां दे कद 9 फुट हुंदे। अगर बोलण नाल कद हुंदा, अगर बोलण नाल ते दूजे की तम्मी लाण नाल कद हुंदा, अपना नहीं तो आने वाले बच्चों का जरूर ख्याल करो। आज तुहानू फैसला करना पड़ेगा आने वाले वक्त। मैं पहले गुजारिश की कि मैं तुहाडे कोलों वोट नहीं मांग रहा, मेरा हक होया तो दे देना, अगर मेरे को तो कोई बेहतर हो वे, लेकिन होवे प्रधान खान का वाह खुदा मैं कुर्बान कर देना। क्योंकि हो सकता मेरे नालों बेहतर ढाडी नुमाइंदगी कर सके, लेकिन कम अज कम तुहानू इज्जत देगा, मेरे लोगों नू इज्जत लगी, मेरे लोगों की दाद रसी होगी, तो मैं समझांगा मेरा फर्ज अदा होगा। मैं बहुत सारे मेरे मेहरबान बैठे ने, 2012 भी साढ़े ते कोई इकतदार नहीं सी, बड़ा जबर किस्म का नून का इकतदार सी, पीपल पार्टी का इकतदार सी, असी तो उदों भी इस तहसील च डिवेलपमेंट कराई, 47 बिजली के मनसूबे इस तहसील च मेरी ग्रांट नाल लगे। अगर मैनू इकतदार की होंगी तो उदों मैं मनसूबे से नहीं टकरा सकता। ए जड़े वादे किए गए ताडे गुआंढ ने जाति को जेड़ा आंदा सी हर 2-3 साल बाद इलेक्शन च वोट दो तो ताडी बिजली लगी, 40 साल च लगी तो कोई नहीं, अलहमदुलिल्लाह मेरी ग्रांट नाल लगी, ये मेरे से रब का करम है कि असी इक्तदार होवे या ना होवे, मेरे बुजुर्गों के दोस्त ने कुछ दिन उन्होंने साढ़े गरीब आम दी ने उन्होंने कहा 2002 जो मैं इलेक्शन लड़िया ना मैं कोल बैठा था तो मेरे वाले साहब नूं कहंदे ने कि तुसीं इह की कीता है, चंगा भला जे अपना कारोबार कर रहा सी इहनूं किहड़े पासे ला दित्ता है, तो मेरे वाले साहब दे अल्फाज सन कि मैं अपना बेटा अपनी तहसील लई वक्फ कर दिता। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इसे नाल मेरी जिंदगी मुके कि लोग मैं तस्लीम कर दें कि बाकी इस बंदे ने अपनी जिंदगी इस तहसील लिए वक्फ किया। जिस दिन तुसी लोगों ने तस्लीम कर लिया, मैं किसे चौधरी किसे नवाब किसे वडेरे किसे जगीरदार को नहीं डरता,
मैं इकतदार की इंतहा न लड़े जेड़े कहते सन कि इकतदार तो बगैर नहीं रहना इन्होंने साड़ी तारीख से चुक के देखो मेरे वालद की तारीख चुक के देखो सारी जिंदगी ओपोजिशन न रहे ने अच्छा सब बैठे ने थे सारी जिंदगी बिल पार्टी न रहे मेरे वाले साहब भी बिल पार्टी न रहे डॉक्टर गुलाम हुसैन न रहे और इन्होंने चेहरे में तुम दसा क्योंकि इतने बहुत सारे दोस्त होंगे जो डॉक्टर गुलाम हुसैन अपना हीरो मानते सन लीडर मानते सन बा खुदा डॉक्टर गुलाम हुसैन के मुकाबले दारापुरिया वोट इसलिए पाते सन कि प्योर पार्टी जो अगर डॉक्टर गुलाम हुसैन जीत गया तो साड़ी प्योर पार्टी जगह खत्म हो जाएगी इस हद तक इन्होंने साडे इलाके दुश्मनी की है लिहाजा मैं एक दफा फिर साढ़े सारे गुरगाम भाइयों का दोस्तों का शुक्रगुजार ये अल्लाह तला ने जो कुछ तू जबाना लगिया ने अल्लाह तला मुबारक करे और ताे बच्चों और नसलों को भी नसीब करे और तुम इतों अपना रिजक कमाओ और मैं और आई शराज साहब पहली गल तो आवगा कि गरीबों का जरूर ख्याल करो एक एक सौ इकताली दुकानदार बन गए ने 144 144 राशन पैक साड़ी तहसील च बंडे जाने आदमी ने तो बहुत सारे घर के चूल्हे चल रहे हैं और एक और मैं रिक्वेस्ट करांगा मैं खुद क्योंकि वो करदा गरीब बच्चा जेड़ा पढ़ना चाहे मेरे इन्हां लोगों नूं तालीम वास्ते इन्हां दी मदद करो पाक खुदा इन्हां बच्चें तालीम आ गई ना यह जेड़ी तब्दीली दा रोना असी अज रोंदे पए हां ना वो तब्दीली खुद ही आ जाए उन्होंने तालीम से पूछो कि वह जेड़े ढे आंढ़ गुआढ़ ऐसा बच्चा जेड़ा पढ़ना चाहता है वह जहीन है वो फीस नहीं अदा कर सकता अगर तुम ढे चो कोई ना दे सके मैं जरूर दसना मैं दया इन्ह बच्चों की तालीम आने की नस्ल की तालीम होगी साडा साडी तहसील साडा इलाका साडा जिला और अज क्योंकि मैनू अज उस तो बाद पहली दफा मौका मिले असी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब हम जिला बन जाए मैं अज एक वादा करके जा रहा क्योंकि मैं हूं मुंतखब नुमाइंदा नहीं मैं अपनी खलूसे नीयत नाल कोशिश करांगा लेकिन अगर किसी दिन खुदा ने तो तुसा लोगों ने मैं इज्जत दी मैं उत्थे पहुंचाया अगर 6 महीने पंजाब जिला ना बनिया तो मैं इस्तीफा दे गया और साडे बच्चों की भी बका इसे चीज कि पंजाब जिला बने क्योंकि मेरे बहुत सारे नौजवानों को शायद नहीं पता कि पंडान खान एक वक्त कमिश्नर ऑफिस थी फिर जिला बनिया और जिन्होंने असी मुंतखब करते रहे उन्होंने सितम जरीफिया के नाम तहसील बनी ए चकवाल जरा जिला है यह सारा तहसील पंडान खान का हिस्सा सी और जिला पिंडान खान की अज भी अगर कोई दोस्त पिंडी ठेप जाए ओदे गेस्ट हाउस अज भी उत्थे जिला पिंडान खान की तख्ती लगी है तो लिहाजा यह भी साडा हक है पिंडान खान नू वापस ओदी असल हालत च लियाना भी साडा हक है और इंशाला असीं लै के आवांगे जदों जरूरत पेगी मैं ताडे दोस्तों अगे दरखास्त भी करांगा
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀ ਨਾਸਰ।